हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज हम बात करेंगे पेट की तकलीफ के लिए। लोगों को कई बार कंप्लेन करते हुए हमने सुना है कि मेरा पेट ठीक नहीं है। देख, सुनने में बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से या तो बार बार स्टूल जाने की जो उनकी टेंडेंसी रहती है उसकी वजह से वो सोशल गैदरिंग में जाना अवॉइड करते हैं, फैमिली को के साथ बाहर जाने में अवॉइड करते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़े होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें बार बार जो स्टूल जाना पड़ता है वो क्यों होता है और उसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। तो शुरू करते हैं हम ये टॉपिक पे बात। टॉपिक है फ्रीक्वेंट अर्ज फॉर बाउल मूवमेंट्स। तो कोई फिक्स ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है कि पर्सन को रोज सुबह एक ही बार स्टूल जाना चाहिए। कुछ लोग दिन में 3 बार भी स्टूल जाते हैं, या तो कुछ लोग पूरे वीक में 3 बार स्टूल जाते हैं। तो कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन क्या रीजन है, क्यों लोगों को बार बार स्टूल जाना पड़ता है? तो एक तो बात यह है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपसेट हो जाती है। कुछ खाने पीने में ऐसा आ गया, या तो स्पाइसी फूड खा लिया, या तो फैटी फूड खा लिया, या तो फूड ऐसा कुछ फूड खा लिया जो हमें हमारे टॉलरेंस में नहीं है, मतलब इनटॉलरेंस फूड की वजह से भी बार बार स्टूल जाना पड़ता है। कुछ ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और पैरासाइट्स इन्फेक्शन की वजह से भी बार बार जाना पड़ता है। हमने देखा है कि कई बार हम एंटीबायोटिक लेते हैं और जैसे ही एंटीबायोटिक लेते हैं हमें डायरिया हो जाते हैं, बार बार स्टूल जाना पड़ता है। या कई बार क्या होता है कि हम डाइट में फाइबर फूड ज्यादा लेते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैसे हमें डायरिया नहीं होते हैं, बार बार नहीं जाना पड़ता है, लेकिन एग्जाम के पहले या इंटरव्यू के पहले, या तो ऐसे पेशेंट होते हैं कि अगर रात को मोबाइल का एक रॉन्ग नंबर भी, अगर एक आवाज रिंग भी बज गई तो बस क्या हुआ होगा, जैसे उनको पेट में कुछ हो गया हो, एक एंजाइटी स्टेट में आ जाते हैं। और पहले स्टूल जाना पड़ेगा, फिर वो लोग फोन रिसीव कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के पहले एंजाइटी होती है कि हाँ मैं तो सफर तो कर रहा हूं बाय रोड, लेकिन अगर मुझे वहां जाना पड़ेगा तो क्या होगा। कुछ लेडीज में पीरियड्स के पहले या तो कॉन्स्टिपेशन होता है, या तो स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक स्टेज है, मतलब उसका रीजन हमें नहीं पता है कि क्यों इसमें बार बार जाना पड़ता है, मतलब ये तकलीफ क्यों होती है, लेकिन इसमें पेट में दर्द होगा, गैस होगा, डायरिया हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कई बार ऐसे स्टेज में मैं पेशेंट को बोलता हूं कि आप होम्योपैथिक की दवाई के साथ योगा करो, मेडिटेशन करो, मतलब अपने स्ट्रेस को मैनेज करो, अपने डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करो। उसकी वजह से कई बार IBS जिसको बोलते हैं वो ठीक हो जाता है, दवाई की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, इसमें क्रोन्स डिजीज, जिसमें जो इंटेस्टाइन मतलब अपने आंत है उसके उसमें लाइनिंग हो जाती है, उसमें एक सूजन आ जाती है और उसकी वजह से पेट की तकलीफें होती है, जिसमें एक तकलीफ बार बार स्टूल जाना भी होता है। लेकिन अगर आपका क्रोन्स डिजीज डायग्नोस हुआ हो तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, विदाउट ट्रीटमेंट ये ठीक नहीं होगा। तो इस अगर क्रोन्स डिजीज डायग्नोस हुआ है तो आप सीरियस ले लीजिए। ऐसा ही एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें भी सेम होता है कि जो लाइनिंग है उसमें तकलीफ होती है, उसमें इंफेक्शन लग जाता है, और उसका सिम्टम्स यही है कि जब आप कोलोनोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी करोगे तो पता चलेगा कि अंदर अल्सर हो गए हैं, और अल्सर की वजह से स्टूल में ब्लड जाता है। तो ये भी बहुत सीरियस कंडीशन है, इसमें भी आपको अगर ध्यान नहीं दोगे, ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो कैंसर तक भी जा सकता है। सीलिएक डिजीज, ये कोलाइटिस
ग्लूटन की एलर्जी बोल सकते हैं कि ग्लूटन हमारे खाने में है। ग्लूटन किस में होता है? तो गेहूं में होता है, बार्ली में होता है, और वो हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके सामने एक रिएक्शन देता है और उसकी वजह से बार बार सूज जाना पड़ता है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट हमें लेना चाहिए जिसमें गेहूं नहीं हो, ऐसा डाइट लेना पड़ता है। और फॉरेन में मुझे बहुत सारे इसके पेशेंट मिलते हैं, कोलन कैंसर की वजह से भी बार बार स्टूल जाना पड़ता है। अब ये हुआ कि क्यों होता है, लेकिन अगर क्या सिम्टम्स है तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो स्टूल में अगर ब्लड जाए, मतलब स्टूल के साथ ब्लड जाए, या तो रेक्टम पे हमें ब्लड दिखाई दे, तब या तो जो स्टूल होता है वो बहुत बदबू वाला हो और हमने कुछ किया नहीं है, डाइटिंग वगैरह नहीं किया है, तो भी हमारा वेट लॉस हो रहा हो, या तो ये डायरिया का प्रॉब्लम काफी लंबे समय से चला आ रहा हो, साथ में फीवर हो, तो ये सब अगर सिम्टम साथ में दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके चाहिए, और क्या वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है इसका डायग्नोसिस करना चाहिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं बताऊं कि कुछ डायरिया के ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि वो खान पान की वजह से या तो दवाइयों की वजह से होता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता तो ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, लेकिन जो क्रोन्स डिजीज है या आईबीएस है या तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऐसे सारे डिजीज में हम कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं देते हैं, लेकिन पेशेंट का पूरा स्टडी करते हैं, उसकी लाइफ में स्ट्रेस कहाँ है या तो उसकी लाइफ में कहाँ गड़बड़ है, उसको क्यों ये प्रॉब्लम हुआ, क्यों ऑटोइम्यून डिजीज हुआ, और ये सारा पूरा हिस्ट्री लेके पूरा स्टडी करके हम दवाई देते हैं। तो मैं यहाँ जो दवाई देता हूँ जस्ट ऐसे ही आपको नाम सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए तो अगर आपको कुछ ऐसा डायग्नोस हुआ तो जरूर डॉक्टर से ही कंसल्ट करके दवाई लेना। मैं पहली दवाई बताने जा रहा हूँ नक्सोमिका। आप बोल सकते हो कि होम्योपैथिक में पेट की तकलीफ के लिए ये बहुत किंग मेडिसिन है। क्या होता है, पेशेंट को इच्छा होगी स्टूल जाने की, बार बार इच्छा होगी, पेशेंट जाएगा, थोड़ा ही स्टूल पास होगा और उसको आराम लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से उसको स्टूल जाने का अर्ज होगा और टेम्पररी रिलीफ होगा। इसमें कई बार पेशेंट कॉन्स्टिपेशन फील करता है, कुछ समय डायरिया फील करता है, तो पेशेंट एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है या तो कभी डायरिया उसको रहता है। और क्यों ये तकलीफ होती है, कई बार क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारी पर्गेटिव्स, मतलब पेट साफ करने की हमने कोई चूर्ण लिए हो या तो दवाई ली हो और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, या तो मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि हमें एंटीबायोटिक लिया और डायरिया हो गए, या तो एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से डायरिया वगैरह हो जाए, तो मैं नक्सोमिका देता हूं। ये मेडिसिन वर्कहोलिक पीपल की दवाई है। इसमें क्या होता है कि वो लोग की लाइफस्टाइल बहुत इरेगुलर है, रात तक काम करना और रात को जगने के लिए स्मोकिंग वगैरह करना, पार्टी वगैरह में जाना, अल्कोहल लेना और काम का प्रेशर, सेडेंटरी लाइफ, मतलब एक्सरसाइज नहीं, ये सारे पेशेंट में जब पेट की तकलीफ हो, बार बार स्टूल जाना पड़े, साथ में गैस हो, एसिडिटी हो, तो नक्सोमिका बहुत अच्छी दवाई है। मैं 30 या तो 200 पोटेंसी में यूज करता हूँ। फोडोफाइलम, मैं जब मेरे कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता हूँ फोडोफाइलम के लिए, तो 5 P याद रखने के लिए बोलता हूँ। प्रोफ्यूस, मतलब जो भी स्टूल होता है बहुत क्वांटिटी में होता है, प्यूटेड मतलब स्मेल वाला होता है, पेनलेस होता है, पॉलीक्रोमेटिक मतलब मल्टी कलर स्टूल होता है और स्टूल के साथ अपना रेक्टम भी बाहर आ जाता है, प्रोलेप्स हो जाता है और गशिंग डायरिया होते हैं, और बच्चों को जब दांत आए तब भी अगर डायरिया हो तो फोडोफाइलम यूज होता है। इन नॉर्मल केस में डायरिया के लिए मैं फोडोफाइलम बहुत यूज करता हूँ, जहां पानी जैसे फ्रीक्वेंट स्टूल हो तब। आर्जेंटम नाइट्रिकम जैसे हमने बोला आईबीएस के सिम्टम्स जो भी है, हरी और वरी, ये पेशेंट बहुत इनपेशेंस होता है, बहुत हरीड पेशेंट होता है, उसको इमोशन की वजह से डायरिया होते हैं, नर्वस डायरिया जिसको बोलते हैं, स्टेज पे जाने के पहले, एग्जाम देने के पहले, या तो एंटीसिपेटरी एंजाइटी, मतलब कुछ भी करना हो, अगर घर में शादी आ रही है बेटे की तो भी उसको
पेट के तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो सोच के ही प्रॉब्लम को सोच के जब स्टूल के प्रॉब्लम होते हैं तब आर्जेंटम नाइट्रिकम यूज होता है, मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। लेकिन खास करके मेंटल सिम्टम्स को कंसिडर करके, जब डायरिया का प्रॉब्लम हो या तो सुगर खाने की वजह से डायरिया हो, तो आर्जेंटम नाइट्रिकम यूज करता हूँ। दूसरी मेडिसिन है जेलसेमियम। जेलसेमियम में भी पता है आपको कि डलनेस है, ड्राउजीनेस है, साथ में एग्जाम के वक्त डायरिया होते हैं तब जेलसेमियम, और ट्रिमलिंग, नर्वस ट्रिमलिंग की वजह से भी डायरिया होते हैं तो जेलसेमियम यूज होता है। एलोज, एलोज में क्या होता है कि जो उसका एनल स्फिंक्टर का जो पावर है वो जैसे नहीं रहा है, मतलब क्या होता है, पेशेंट को गैस पास करने जाएगा लेकिन उसको इनसिक्योरिटी रहती है, उसको लगेगा कि स्टूल पास हो जाएगा, तो गैस पास करते वक्त स्टूल पास हो जाए, और ये डिसेंट्री की बहुत अच्छी दवाई है, साथ में पेट में दर्द होगा, डायरिया भी होगा और उसके साथ वीकनेस होगी। और पाइल्स की भी बहुत अच्छी दवाई है, जहां ग्रेप्स लाइक पाइल्स, मतलब अगर आप देखोगे तो पाइल्स ऐसे ग्रेप्स के झुमके जैसा दिखाई देता है। मर्क सॉल एंड मर्क कॉर्क, ये दो दवाइयां ऐसी है कि डिसेंट्री, डिसेंट्री मतलब क्या है, पेचिस बोलते हैं, पेट में दर्द, क्रैम्प्स आएगा, क्रैम्प्स आएगा थोड़ी देर, पेशेंट उसको पेट को पकड़ के बैठ जाएगा और तुरंत स्टूल जाना पड़ेगा, लेकिन स्टूल बहुत कम क्वांटिटी में होता है, ऐसा लगता है कि नेवर गेट डन फीलिंग, मतलब ऐसा लगता है कि कभी मेरा वो टॉयलेट सीट से उठेगा ही नहीं, ऐसी उसकी हालत हो जाती है, उसके स्टूल में स्मेल आती है। और ये दो दवाई है, मर्क सोल और मर्क कोर, दो अलग अलग मेडिसिन है, मैं 30 पोटेंसी में यूज करता हूं कि स्टूल के साथ ब्लड हो तो मर्क कोर यूज कीजिए, और स्टूल म्यूकस वाला हो, मतलब छिकास जा रही हो, तो मर्क सोल यूज कीजिए। तो ये दो दवाई जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स हो वहां ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। क्रोटोन टीक, ये मेडिसिन में ऐसा होता है कि गशिंग स्टूल होता है, पेशेंट को इच्छा होगी और जैसे ही अर्ज होगी वो जाएगा, और जैसे ही टॉयलेट सीट पे बैठेगा एक साथ उसका आवाज के साथ स्टूल पास हो जाएगा, येलो वाटर स्टूल होगा, या तो समर में इस तरह से डायरिया हो तो क्रोटोन टीक बहुत अच्छे से 30 पोटेंसी में यूज होने वाली दवाई है। जेट्रोफा, जेट्रोफा ये दवाई कोलेरा के फर्स्ट स्टेज की दवाई है, मतलब कोलेरा जैसे ही शुरू हो और राइस वाटर स्टूल हो, प्रोफ्यूस स्टूल हो, और इसका बहुत बड़ा इंडिकेशन ये है कि उसके पेट में गुड़ 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 आवाज आएगी, ऐसा आवाज की जैसे पानी की बोतल पेट में खाली हो रही हो, और जैसे ही पानी की बोतल खाली होती है तो कैसी आवाज आती है, ऐसी पेशेंट को आवाज आएगी और उसको स्टूल पास करने जाना पड़ेगा, और राइस वाटर ही स्टूल होगा, चावल के पानी जैसे स्टूल, और ये कोलेरा का भी सिम्टम्स है। तो जेट्रोपा 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। बहुत सारी दवाइयां है, सल्फर, सल्फर जो है वो स्किन प्रॉब्लम के तो बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन पेट की तकलीफों में मैं कई बार ऐसे यूज करता हूँ कि पेशेंट बोलता है कि हाँ मैंने जैसे ही खाना खाया मुझे स्टूल पास करने जाना पड़ता है, तो उसमें मैं कई बार पेशेंट को सल्फर देता हूँ या तो एलोज भी देता हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सल्फर का इंडिकेशन यह है कि उसको मॉर्निंग डायरिया होता है, जैसे ही उसको आंख खोलेगी और उसको तुरंत भागना पड़ेगा स्टूल के लिए, और साथ में ऐसा होता है कि 11 बजे जैसे उसको पेट एकदम खाली हो जाएगा, भूख लगेगी, मैक कार्ब स्टूल की मिल्क की वजह से जो डायरिया होता है, और डायरिया में सारनेस होती है, खट्टी स्मेल आती है, और मैग्नीशियम का फीलिंग ये है कि ऑर्फन फीलिंग, मतलब उसने किसी ने त्याग दिया हो, किसी ने छोड़ दिया हो, ऐसे पेशेंट को जब फीलिंग होती है तो मैक कार्ब यूज होता है। कोलोसिन ये पेट दर्द की बहुत अच्छी दवाई है, खास करके डिसेंट्री की, क्रैम्प्स आएगा तब क्या करेगा, पेशेंट आगे झुक जाएगा, वो आगे झुक के पेट को पकड़ लेगा तब उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। फेरमेट नाम की दवाई ऐसी है कि जिसमें ग्रीनिश स्टूल होगा और पेशेंट खाना खाते खाते ही उसको स्टूल पास करने के अर्जिंग होगी और वो स्टूल पास करने जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में, कुछ मैंने अभी आपको बताया है, कुछ मेडिसिन जो इस तरह के प्रॉब्लम में हेल्पफुल हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।